Islam Abad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. Hyderabad se Karachi tak, aapka hum safar. Visit our website www.fm100pakistan.com. Dark ages of radio. It used to sound like this. Like us on Facebook, FM247365. Then we introduce. Follow us on Twitter, FM_100_Pakistan. Follow us on Instagram, FM100Pakistan. And even after decades, subscribe to our YouTube channel, FM100Pakistan. On the airwaves, download FM100 mobile app right now from your app store. Welcome to FM100 Network. Listen live your favorite station. FM 100. Latest news. The heartbeat of Pakistan. This is FM 100. Assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum everyone. Tamam sunne walon ko program cooking special mein nahi balki healthy cooking mein kehte hain khush aamdeed janab. Healthy cooking program aapki khidmat mein pesh kiya ja raha hai House of Italia ki janib se aur ye program aap sunte hain every Friday and Saturday dopahar 12 baje se leke 12:30 baje tak. Aur ye sirf program aap sunte hi nahi hai, I am really excited. Aap ye program sirf sunte hi nahi hai balki aap ye program dekhte bhi hain. To pure Pakistan mein ye program FM 100 network par suna ja raha hai aur puri duniya mein ye program FM 100 के तवस्सुत से जो FM 100 का ऑफिशियल फेसबुक पेज है उस पर देखा जा रहा है. सो आप प्रोग्राम में हिस्सा सुनकर भी बन सकते हैं, देखकर भी बन सकते हैं. आप लोगों के मैसेजेस भी शामिल करेंगे, आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी होगी. हेल्दी कुकिंग में हमारे साथ कुकिंग एक्सपर्ट भी मौजूद होती हैं, रिदा आफ्ताब, उनको वेलकम कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम रिदा. वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को. वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, ठीक अल्लाह का शुक्र है, खैरियत के साथ. कैसा रहा आपका जुमा और कैसा रहा आपका वर्किंग डे? अच्छा, जबरदस्त. और अब तो आपका वीकेंड है ना? नहीं, आज तो शुक्र है घर पे ही हूँ, कल भी घर पे ही हूँ और अच्छा वीकेंड होगा अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ. अच्छा होगा इंशाल्लाह. इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा. और जनाब मौसम भी अब काफी बेहतर हो गया है रिदा. बहुत, मतलब इस बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि एक दो दिन के अंदर ठंड आ रही है, हवा चल चुकी है. हाँ. और मतलब अच्छा हो गया, बेहतर हो गया मौसम. लेकिन लोग पता है अभी भी गर्मी की कंप्लेन कर रहे हैं. कल भी कोई ऐसा गाड़ी में था, कह रहा था गर्मी बहुत हो रही है. आपकी बात कर रही हूँ मैं. नहीं, अभी सुबह सुबह जब रात से थोड़ी हवा चल पड़ी है. सुबह अभी भी मैं गई थी, मैं बताती हूँ ना, सुबह उठ के सबसे पहले मेरा छत का चक्कर लगता है जो चिड़िया वगैरह के लिए पानी के लिए. तो अच्छा, बड़ी अच्छी टेम्परेचर वहाँ से पता चलता है. वहाँ से हवा का मुझे पता चलता है. फिर मैंने देखा कि हवा, मैंने कहा शुक्र है. ऐसा फील हो रहा था कि जो सर्दी का नहीं होता, थोड़ी सी खुनकी वाली जो हवा है वो चल रही थी.
तो बस आ गई कल परसों तक, बस थोड़े से फासले पे हैदराबाद तक आ रही है बारिश चली है। पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में तो बारिशों का सिलसिला है, पेशगोई भी है, और सिंध भर में और कराची में ये कहा जा रहा है कि मतलब बरालूद है। अच्छा। तो हाँ ये कहा जा रहा है। आज आप कह रही है कि सुबह टेम्परेचर अच्छा था, तो इसका मतलब ये है कि आज जो मौसम की रिपोर्ट आएगी उसमें हमें थोड़ी सी तब्दीलियां मुतवक्के हैं और मौसम बेहतर हो रहा है, सर्दी की तरफ जा रहा है। चूंकि मौसम बदल रहा है, आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। ख्याल बहुत सारे तरीके से रखा जा सकता है, और एक तरीके का ख्याल रखने का ये है कि अपनी डाइट को मौसम के हिसाब से तब्दील किया जाता है। तो सुबह का नाश्ता उससे होता है, मेरे ज़हन में नाम ही नहीं आ रहा है। देखिए सुबह का नाश्ता, अब जब सर्दियां शुरू होती हैं तो भूख भी सबको बहुत ज्यादा लगती है, और बहुत सारी ऑयली चीजें खाते हैं, उनका दिल करता है कि हम पूरियां भी खाएं, हम लोग पराठे, इसलिए गर्मी में नहीं खाई जाती। लेकिन ये कि अब जब आप पराठे भी खा रहे, आप खा सकते हैं, आप पूरी भी खा सकते हैं, लेकिन इस चीज का आपने जरूर ख्याल रखना है कि हेल्दी खाना है। उसके अंदर जिस ऑयल का इस्तेमाल करें उस पर जरूर आपने फोकस करना है कि आप कौन सा ऑयल का इस्तेमाल करें। अब बाजार से तो आप पूरियां लेते हैं, आपको नहीं पता कौन सा ऑयल है, कौन सा घी है, कैसा है, लेकिन इटालिया की ये बात है कि इनका ऑयल जो है वो नंबर वन क्वालिटी है। चाहे आप उसको सैलड में बनाकर खाएं, चाहे आप डीप फ्राई खाएं, या फिर आप शैलो फ्राई खाएं, तो आप लोगों के लिए ये अच्छा है कि आप कम से कम, आप एक तो वेट पुट ऑन नहीं करेंगे, वरना सर्दी में ज्यादातर लोगों का वजन बढ़ जाता है, ठंड में हमेशा होता है वजन भी बढ़ जाता है। तो ये है कि अगर आपने खाना है, कुछ भी खाएं आप खाएं, लेकिन इस चीज का आपने जरूर ख्याल करना है कि आपने जो भी चीज खानी है अच्छे ऑयल का इस्तेमाल करना है। और इस ये मौसम जब शुरू होता है तो ड्राइनेस भी बड़ी हो जाती है। इस मौसम के लिए बड़ा जबरदस्त है ये इनका ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा ऑलिव ऑयल जो है वो वर्जन जो है वो बहुत अच्छा है। आप एक चाय का चम्मच आप वैसे भी उसको पी सकते हैं, आपकी स्किन की या हाथों की जो ड्राइनेस है उसको खत्म कर देगा। बिल्कुल ठीक है जनाब, आज का सवाल भी आप तक पहुंचा देते हैं। आज हम आपसे क्या पूछने वाले हैं और किस सवाल पर हम आपको जीतने का मौका देने वाले हैं इटालिया की जानिब से और हाउस ऑफ इटालिया की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। आज का हमारा सवाल ये है कि जैतून और जैतून का जो तेल है वो किस किस्म के मौसम पर, कौन सा ऐसा मौसम है, चूँकि अभी मौसम का जिक्र निकला है, कौन सा ऐसा मौसम है जिसमें किसी पर पाबंदी होती है, क्या जैतून और जैतून के तेल के इस्तेमाल पर किसी मौसम में पाबंदी होती है, ये आपने मुझे बताना है। या फिर आप यूं कह लीजिए आसान लफ्जों में कि किस किस्म के मौसम में आपको जैतून का तेल इस्तेमाल करने के लिए मना किया जाता है। तो जनाब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए अपने सेल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, लिखें KHI स्पेस दें, अपना मैसेज टाइप करें, अपना नाम लिखें, जवाब लिखिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखिएगा और उसको 3636 पर भेज दीजिएगा। आप पाकिस्तान में कहीं से भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, कहीं से भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यही तरीके का है मैसेज करने का। सेल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, लिखें KHI स्पेस दें, मैसेज टाइप करें, अपना जवाब लिखें, नाम लिखें, कॉन्टैक्ट नंबर लिखें और 3636 पर उसको सेंड कर दें। इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं प्रोग्राम में, 111111100 इज द नंबर टू डायल। और अगर आप कराची से बाहर से डायल करें तो सिटी कोड मिलाकर 111111100 नंबर डायल कीजिएगा। और कल हमसे किसी ने पूछा था कि फ्राई फिश कैसे करना है, तो हम वो भी आपको तरीकेकार बता देंगे। अगर आप लोग कराची से बाहर से सुन रहे हैं तो हम उनके लिए रिपीट कर रहे हैं ये बात। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनाब आपको ये भी बताएंगे, लेकिन साथ साथ आप लोगों की कॉल्स का तरीकेकार मैंने बता दिया। इसके अलावा लाइव सेशन फेसबुक पर जारी है, facebook.com/fm247365 हमारे फेसबुक पेज का ऑफिशियल FM 100 का फेसबुक पेज का लिंक है, इस पर लाइव सेशन का सिलसिला जारी है। यहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ देर में मैं आप लोगों के यहाँ पर आने वाले कमेंट्स भी शामिल कर रही हूँ। लेकिन पहले हम फ्राइंग फिश का बता देते हैं, और दरमियान में प्रोग्राम में जवाब देने के साथ साथ अगर आपके जहन में कोई रेसिपी है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि हाउस ऑफ इटालिया के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हुए उस रेसिपी को किस तरह से बेहतर और टेस्टी और हेल्दी बनाया जा सकता है। रिदा फ्राइंग फिश बताते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या है कि आपने जैसे कोई भी मछली लेनी है, सुरमाई ले लें, धोतर ले लें, जो आपकी फेवरेट है मछली, वो आपने ले लेनी है 1 किलो। उसको पहले आपने अच्छी तरह से धोना है, धोने के बाद आप थोड़ा सा उसमें अजवाइन भी लगा लें। अब उन लोगों को ये होता है कि स्मेल आ रही होती है, तो अजवाइन या लहसुन के पानी में एक दफ़ा उसको दोबारा से धो लीजिएगा। अब इसका मसाला आपने इस तरह से तैयार करना है कि एक बर्तन के अंदर आपने लेना है साबुत धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, ठीक है, साबुत धनिया, जीरा, काली मिर्च आप ले लीजिएगा 1-1 चाय का चम्मच। इनको आपने मोटा मोटा कूट लेना है। इसके बाद इसमें कुटी हुई मिर्चें 2 चाय के चम्मच डाल दीजिएगा, आधी चाय का चम्मच हल्दी डाल दीजिएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 आने का चम्मच डाल दीजिएगा, थोड़ा सा लीमू का रस डाल दीजिएगा, और साथ में आपने इसके अंदर डाल देना है थोड़ा सा चाट मसाला, ठीक है। ये सारी चीज़ें डालकर आपने इसको मिक्स करनी है और फिश के ऊपर लगा कर आप छोड़ दीजिएगा 1-1.5 घंटे।
जिस टाइम पे आपने फ्राई करना है तो उसमें थोड़ा सा बेसन लीजिएगा, बेसन आपने उसके ऊपर लगाना है, तो इटालिया का जो पोमेस ऑयल है उसके अंदर आप उसको डीप फ्राई कर सकते हैं। अगर आपने उसको बेक करना है तो आप बेक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसी में ऑयल मिक्स कर लीजिएगा, मिक्स करने के बाद आप ओवन में बेक भी कर सकते हैं, डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मतलब ये आपकी चॉइस है। आप चाहे तो फ्राई पैन में भी हल्का सा शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, तो इस तरह से आप फ्राइड फिश बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, फ्राइंग फिश की रेसिपी भी तैयार हो गई है और आप तक पहुंच गई है। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। चूंकि मौसम ठंडा हो जाएगा तो आप फिश अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिश भी आपके जो हेयर हैं उसमें जो सर्दियों में खास ड्राइनेस आ जाती है, बिल्कुल रूखापन आ जाता है, उसको मॉइस्चराइज करने में, आपके हेयर को मॉइस्चराइज करने में और उनकी ग्रोथ और उनकी फरवानी के लिए बालों, यू नो, सर पर बाल होने चाहिए, तो वो दरअसल सर्दियों में हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा बहुत होता है ज्यादा होता ड्राइनेस है की वजह ड्राइनेस से, की वजह से। तो उसको भी कम करेगी वो। जनाब, आप लोगों के मैसेजेस भी हमारे साथ साथ हैं, लाइव सेशन पर आने वाले कमेंट्स भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले हमें 3636 पर मैसेज किया है सैयद खैरुल बशर ने। कितना प्यारा आपका खूबसूरत नाम है माशाल्लाह। आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, और इतनी तेजी से मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरी नजरों के सामने से वो मैसेज चला गया। जैन का मैसेज है, उन्होंने कहा रेसिपी बता दें पेपर स्टेक सॉस की। बिल्कुल बता देते हैं। इसके अलावा सोनिया का मैसेज है, उन्होंने कहा हर मौसम में इस्तेमाल किया होता है, ठीक है। इसके अलावा रूस का मैसेज आया, उन्होंने कहा कराची से जैतून गर्मी में मना है, ठीक है। रिमशा का मैसेज, उन्होंने कहा फिश का सालन बता दें, फिश का सालन अभी आपको बता देते हैं, स्टेक भी बता देंगे। इसके अलावा किसी मौसम में मना नहीं है समीना, ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा महविश रानी का मैसेज, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुश हूँ हमारे, हाँ ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया महविश, आपके मैसेज का तारीफ भी आपने प्रोग्राम की है। वसीम फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम, और मैसेज कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में पहली बार और अभी तक इंतजार कर रहा हूँ कि गिफ्ट मुझे मिलेगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंशाल्लाह मिलेगा। बहुत सारे सवाल, तो बहुत सारे सेगमेंट्स इस प्रोग्राम के अभी फर्दर होना बाकी हैं, यानी कि इस प्रोग्राम का जो सेशन है वो अभी काफ़ी इंशाल्लाह सिलसिला चलेगा इसका। आई थिंक आपने कहा है कि ओके, आज SMS वालों को भी चांस दे दें कि नहीं, हमने ऑल्टरनेट किया है, एक दिन मैसेजेस से हमने विनर को पिक किया था, एक दिन कॉलर को, एक दिन मैसेजेस से, एक दिन कॉलर को। सो ये ऐसा चलता है सिलसिला, कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलर्स को हम मुंतखब कर रहे होते हैं। अरीबा का मैसेज है कराची से, उन्होंने कहा मौसम हर मौसम इस्तेमाल हो सकता है। चलिए ठीक है, आप लोगों के मैसेजेस के अलावा काफ़ी सारे लोगों ने मैसेजेस करने की कोशिश की है लेकिन ब्लैंक मैसेजेस हम तक पहुँचे। मैं आपको तरीक़ेकार दोबारा बता देती हूँ। अपने सेलफोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएँ, लिखें KHI स्पेस ने, अपना जवाब टाइप करें, नाम लिखें, कॉन्टैक्ट नंबर लिखें और 300-300 पर उसको सेंड कर दें, आपका मैसेज हमारे पास आ जाएगा, शामिल कर लेंगे। इसके अलावा 111-111-100 पर कॉल कर सकते हैं, अभी कमाल साहब आ जाते हैं, वो आपकी कॉल रिसीव करें होंगे, विद देन ही विल बी थ्रोइंग कॉल। आपकी रिसीव करना पहले जरूरी है ताकि आपकी डिटेल्स हम तक पहुंच सकें, और हम फ्राइंग फिश का तरीकेकार बताएंगे, स्टेक का भी बता देते हैं, स्टेक उसमें एक्स्ट्रा जो वर्जन ऑलिव ऑयल है उसका इस्तेमाल होता है, तो स्टेक का बता देते हैं। इन्होंने जो स्टेक की पेपर रेसिपी, स्टॉक पेपर स्टेक, स्टेक का, अच्छा इसके लिए क्या है कि आपने लेना है एक अंडरकट ले लीजिएगा, तकरीबन आपने लेना है इसके लिए 250 ग्राम या फिर 500 ग्राम, उसको आपने हल्का सा हैमर से पूरा चपटा कर देना। अब उसके अंदर आपने काली मिर्च डालनी कुटी हुई, ठीक है, एक चाय का चम्मच काली मिर्च डालनी है। अगर ये आप 400 ग्राम या 500 ग्राम की जितना ले रहे हैं, काली मिर्च डाल दीजिएगा एक चाय का चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट एक चाय का चम्मच डाल दीजिएगा, इसके बाद आधी चाय का चम्मच नमक, एक चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दीजिएगा, और इसको अपने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, मस्टर्ड पेस्ट और उसके साथ काली मिर्च, नमक, लहसुन, और साथ में आपने थोड़ा सा आपने सोया सॉस या फिर आपके वर्सेशायर सॉस है तो वो आप डाल सकते हो, बल्कि वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। ये लगाकर आपने आधा घंटा 10 मिनट रखिएगा, उसके बाद 1 टेबल स्पून के इतना आपने ले लेना है, जो आपके पास ग्रिल पैन है ग्रिल पैन के ऊपर 1 टेबल स्पून आपने लेना है एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल, जो इटालिया एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल ले लीजिएगा, वो आपने डालना है। डालकर आपने स्टेक को एक साइड से 3 से 4 मिनट पकाना है, फिर दूसरे साइड से 3 से 4 मिनट, इसलिए वो फ़ौरन गल जाता है, वो आपने कर लिया। अब इसकी वाइट सॉस जो पेपर सॉस है उसके मैं आपको बता देती हूँ, आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने लेना है वाइट नहीं सॉस, इन्होंने पेपर सॉस का है ना, ब्लैक पेपर सॉस, उसके लिए क्या है कि आपने लेना है यखनी, 1 कप आपने यखनी ले लेनी है, इसके अंदर 1 चाय का चम्मच आपने कॉर्नफ्लावर का ले लेना है, साथ में आपने काली मिर्च ले लेनी है मोटी कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा आपने नमक ले लेना है और 1 चाय का चम्मच आपने सोया सॉस ले लेना है। आपने क्या करना है, 1 टेबल स्पून का बटर गरम कीजिएगा, बटर गरम हो गया तो सारी चीज़ें डाल के आपने फटाफट फटाफट मिक्स कर लेनी है, जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी उसके बाद ये जो पेपर सॉस है वो तैयार हो जाएगी, ब्लैक पेपर सॉस, इसका थोड़ा सा अगर ज़रा ज़्यादा भी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इसका आएगा काली मिर्च का,
उसके बाद आपने स्टेक को एक जो आपके पास सीजलिंग पैन है उसको गर्म करके स्टेक रखिएगा, कुछ वेजिटेबल बॉयल की भी रखिएगा, उसके अंदर आपने व्हाइट सॉस डालनी है और ऊपर थोड़ा सा बटर डाल देगा, तो इस तरह से पेपर स्टेक जो है तैयार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, पेपर स्टेक तैयार हो गई। इसके अलावा हमें फ्राइंग फिश की भी रेसिपी बतानी है रिदा, और भी अभी हमने बताई थी फ्राइंग फिश की, हमने फ्राइंग फिश बता दिया लेकिन उन्होंने कहा कि फिश वाला सालन बता दें। अच्छा ग्रेवी वाला, ग्रेवी वाला ठीक है, चले हम बिल्कुल ग्रेवी वाला बता देते हैं। इसके लिए भी क्या है कि बता दें रेसिपी? जी बिल्कुल बता दें। अच्छा इसके लिए क्या है कि हम क्या करेंगे, मछली का सालन किस तरह से बनाएंगे, पहले आपने कोई भी जो भी मछली लेनी है उसको आपने बहुत अच्छे से धोना है, 2-3 दफ़ा धो के, जिस तरह से अजवाइन या लेमन के पानी से आपने उसको धो देना है, या आप हींग का भी पानी उससे भी धोते हैं। अब आपने क्या करना है, उसको धोने के बाद छन्नी में निकालने के बाद अब उसके अंदर थोड़ा पहले मसाला डालिएगा, लाल मिर्च पाउडर ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच, नमक ले लीजिएगा आधी चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया ले लीजिएगा, थोड़ी सी बारीक कुटी हुई अजवाइन और 1 चाय का चम्मच आपने काली मिर्च ले लेनी है। ये आपने मछली पर लगाकर, हल्दी भी थोड़ी सी लगाकर आपने मछली को अलग से रख देना। अब इसकी जो ग्रेवी बनानी है, 1 कप के जितनी आपने प्याज पिसी भी लेनी है, 1 चाय का चम्मच आपने लेना है इसके अंदर मेथी दाने के, ठीक है, 4 से 6 कड़ी पत्ते ले लीजिएगा, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर के, ठीक है, इसके बाद 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधी चाय का चम्मच हल्दी, आधी चाय का चम्मच नमक, और इसके अंदर आपने लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच ले लीजिएगा, ज़्यादा ना डालिएगा, पहले हमने उस पर भी डाली। आपने ऑयल गरम करना है, वो भी आप इटालियन का ऑयल, जो इटालिया ऑयल है वो ले लीजिएगा, उसके अंदर पहले आपने ऑयल डालना है, पैन के अंदर मेथी दाना डालना है, खुशबू आने लगी तो उसके बाद आपने डाल देनी है प्याज, प्याज को थोड़ा सा पकाएगा, फिर लाल मिर्च नमक हल्दी अदरक लहसुन वगैरह सारे मसाले डाल के उसको थोड़ा सा आपने भून लेना है। जब वो भून जाएगा अब आपने क्या करना है, टमाटर भी बहुत सारे लोग डालते हैं, दही भी डालते हैं, फिर 1 कप के जितना या दही या फिर आपने टमाटर डाल के मजीद उसको भूनना है। जब भून जाएगा 2 कप पानी डालिएगा, पानी को उबलने दीजिएगा, 2-4 उसमें बॉयल आएंगे तो मछली को जो मसाला लगा है मछली डाल दीजिएगा, मछली डाल के मजीद आपने 5 से 8 मिनट पकाना है, उसके बाद चूल्हा बंद कर दीजिएगा, हरी मिर्चें हरा धनिया पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा, ठीक है। जब आप प्याज वो डालेंगे प्याज तो उसके साथ ही कड़ी पत्ते भी डाल दीजिएगा मेथी दाने के साथ, तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है। बिल्कुल ठीक है, इसके साथ हमारे पास प्रोग्राम में कॉलर भी है, लेट्स सी हु इज द फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हमारी आवाज उन तक पहुंच नहीं रही है मुझे लग रहा है, है ना। हेलो 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 हेलो। अच्छा वो वैसे ही अपने तौर पर कह रही हैं, चले हमारा कॉलर से रابطہ नहीं हो पा रहा, बात नहीं हो पा रही, उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। हम एक और कॉलर को शामिल कर लेंगे थोड़ी सी देर में प्रोग्राम में, कुछ आप लोगों के लाइव सेशन पर आने वाले कमेंट्स भी शामिल कर लेते हैं। मोहम्मद आमिर का मैसेज है, उन्होंने कहा स्पाइसी बिरयानी की रेसिपी बता दें। ओके सॉरी 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 माई बैड, आपने कहा कि विदाउट स्पाइस रेसिपी बता दें। अच्छा एक सादी बिरयानी भी बनती है, सादी बिरयानी के शायद कह रही होंगी। इसके लिए क्या है कि चिकन की अगर आप बना रहे हैं तो चिकन को आपने क्या करना है, जैसे 1 किलो बना रहे हैं तो 1 किलो चिकन ले लीजिएगा और इसके अंदर तकरीबन 700 ग्राम के जितने आपने राइस ले लेने हैं, ठीक है। अगर आलू डालना चाहे तो 1/2 किलो आलू भी डाल दीजिएगा। ये प्लेन बिरयानी होती है सादी, जिसको दिल्ली की बिरयानी भी कहा जाता है और उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। आपने क्या करना है, आप ले लीजिएगा चिकन, उसके अंदर आपने डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच डाल दीजिएगा और उसको आपने उबाल लेना है, ठीक है। जब वो चिकन गल जाएगा अब आपने चूल्हा बंद कर देना है और यखन पानी ज़्यादा ना डालेगा, इसमें से 2 ग्लास कितना पानी डालेगा। सीला चावल को 2-3 घंटे भिगोने के बाद आपने क्या करना है, उसको आपने बॉयल कर लेना है, ठीक है। सीला चावल को बॉयल कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपने जर्दे का रंग ले लेना है, 50 ग्राम की जितनी हरी मिर्चें लीजिएगा, 1 खाने का चम्मच मिक्स आपने ले लेना है गरम मसाला सारा, और इसके अंदर आपने ऑयल ले लीजिएगा, इटालिया का ऑयल ले लीजिएगा, तकरीबन आपने 1/2 कप के जितना ऑयल ले लेना है। इसलिए इसका इटालिया का जो ऑयल है इसका ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। तो आपने क्या करना है, ऑयल गर्म कीजिएगा, उसमें प्याज को हल्का सा ब्राउन कीजिएगा, ज़्यादा ना, प्याज ब्राउन हुआ उसमें गरम मसाला डाल दीजिएगा, गरम मसाले के साथ हरी मिर्चें डाल दीजिएगा और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच नमक, ये डाल के थोड़ा सा मसाले को आपने ऐसे भूनना है इसका कलर ना आए। अब चिकन डाल दीजिएगा, चिकन को भून लीजिएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें बची हुई यखनी डाल दीजिएगा, यखनी को थोड़ा सा पकाना है, जब आपको लगे कि तकरीबन 2 कप की जितनी यखनी रहेगी, अब जो बॉयल की हुई राइस है वो राइस आपने इसमें डालने और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा।
मिक्स करने के बाद फिर आपने क्या करना है, इसको आपने दम पे रखना है, थोड़ा सा आपने जर्दे का रंग डालने देना है, एक गड्डी आपने पुदीने की डाल देनी है और आधा घंटा दम पे दीजिएगा। इस तरह से प्लेन वाली बिरयानी, दिल्ली की बिरयानी जो है तैयार हो जाएगी। उसमें मसाले ज़्यादा नहीं होते। अच्छा, इसमें बिरयानी ऐसे आपने ज़रूर डालना है ताकि उसकी खुशबू जो है बिरयानी की बहुत अच्छे से आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, समीर का मैसेज आया है, समीर रॉक कह रहे हैं, हेलो हेलो मिस्टर रॉकिंग समीर। जुबैर परवेज कह रहे हैं वेरी नाइस प्रोग्राम। मोहम्मद आमिर का मैसेज हमने शामिल कर लिया था। काशिफ खान का मैसेज है, उन्होंने कहा बिल्कुल नया अंदाज है, ग्रेट। एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनको शामिल कर लिया प्रोग्राम में। आई होप इस दफा हमारी बात हो सके। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जुबैदा? बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। हमारी प्यारी प्यारी रबिया और हमारी रिदा आफ्ताब, इट्स अ वेरी नाइस शो। मोहब्बत है आपकी। तक आपने सवाल किया है ऑलिव ऑयल का, ऑलिव की तो बहुत खूबी है लेकिन इसका इस्तेमाल 12 महीने रहता है, क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं गलत इन्फॉर्मेशन से कि ये गर्म है, सिर्फ इसको सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमारे पास 12 महीने इसका टिन मौजूद होता है ऑलिव ऑयल का, और बहुत से खानों में रोटी पे इसका इस्तेमाल होता है, और अब्बा मेरे खास तौर पर इसको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में यूज करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया भाई, वाह क्या स्पीड है आपकी। आई है उन्होंने कहा मेरी आवाज उनकी आई है ना, मतलब अच्छा अपना पूरा जो उन्होंने आंसर भी दे दिया, उसकी मुद्दा बयान किया उन्होंने। बहुत शुक्रिया ज़ुबैदा आपकी कॉल का। इसके अलावा हमें मैसेज आया है, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी वेदर, ओके इट्स बेनिफिशियल इन ऑल सीजन, शमा परवीन। और उन्होंने कहा कॉल तो अटेंड कर लें, कॉल्स इतनी आ रही है किस किस की अटेंड करें, और नाम तो लिखा हुआ नहीं है कॉल पे, कि अच्छी बात है कॉल पे नाम नहीं लिखा हुआ। नहीं होता कि आप कॉल पे नाम लिखा होता आप रिसीव नहीं करती, नाम देख के रिसीव नहीं करती ना। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जाजेब। और उन्होंने कहा है कि किसका शुमार नहीं होता। अच्छा, मौसम के हवाले से शायद आप जवाब दे रहे होंगे, क्योंकि बड़ा मुश्किल था आपका मैसेज पढ़ना। मैं विश कह रही हैं कि मुझे मैथ की बिरयानी की रेसिपी बता दें। ऑलरेडी बिरयानी की रेसिपी हमने बताई है। शौकत जावेद ने कहा है कि रहीम यार खान से आप मैसेज कर रहे हैं, उन्होंने कहा वेरी गुड प्रोग्राम, ऑलिव ऑयल होता ही इतना अच्छा है कि वो हर मौसम इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑसम होता है ना हर मौसम के लिए वो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अरीबा अनीस, और आज फर्स्ट टाइम मैसेज किया आपको। वैसे आपका प्रोग्राम रोज़ सुनती हूँ, बट ज्वाइन आज किया है, वेलकम कर दीजिए। वेलकम कहते हैं आपको, बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया। मोहम्मद अनीस का कराची से मैसेज है, उनका फर्स्ट टाइम प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत आला प्रोग्राम है, तारीफ आपने बहुत सारी की है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपने कहा है कोई ऐसी डिश बताएं जो आसान हो और जल्दी बन जाए, अगर आपका दिल हो तो आप कहते हैं यार है ना, आप कहते हैं यार अभी तो शुरू किया था इतनी जल्दी बन गया, इतना मजा आ रहा था कुकिंग करने में। सही बात है, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, वरना आप कहेंगे इतनी छोटी सी रेसिपी है, कोफ्ता आ रही है, कब बनेगी, वो टाइम ही नहीं गुजर रहा। दिल की बात है, दिल की बात है। अगर आपको शौक है या आपको भूख लगी है या आपका दिल कर रहा है कुछ बनाने का, तो आप किचन में जाए फटाफट बन जाती, टाइम ही नहीं लगता, चाहे कोई भी चीज हो। अच्छा, रात को मैं ये बताती हूँ कि ये आजकल जिस तरह से थोड़ा सा लोगों को बहुत ज्यादा खांसी हो रही है और खुश खांसी बहुत ज्यादा, तो मेरी सिस्टर भी मेरे पास आई थी। हालांकि मैंने फर्स्ट टाइम ही ये किया था, मेरी सिस्टर मेरे पास आई हुई बेचारी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और काफी उनको खांसी भी खुश खांसी हो रही थी, तो मैंने क्या किया, लिया था ऑलिव ऑयल लिया, उसको मैंने हल्का सा गर्म किया एक चाय का चम्मच, उसके अंदर एक ही चाय का चम्मच मैंने शहद डाल दी, शहद के साथ थोड़ी सी काली मिर्च डाली, थोड़ा सा एक चुटकी के जितना काला नमक डाल दिया, वो डाल के मैंने रात को उनको सोते वक्त दिया। आप यकीन करें रात को सुकून के साथ सोए, कह रही वरना मुझे रात पूरी, तो मैंने हालांकि कुछ मुझे भी नहीं इसका पता था, मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ, तो वो उनको खांसी का आराम आ गया, रात भर वो सोई, अभी खांसी नहीं खत्म हुई लेकिन ये था कि सुकून से रात को सो गई। तो उन लोगों के कहते हैं बच्चे हैं, जैसे आप लोगों के घर में आजकल हर किसी को, बच्चे बूढ़े जवान सबको ही खांसी का हुआ, बहुत ज्यादा ही हो रहा है, तो आप ये कीजिएगा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लीजिएगा इटालिया का, और उसके बाद आपने थोड़ा सा उसमें शहद डालिएगा, काला नमक डालिएगा, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के दीजिएगा, इंशाल्लाह देखिएगा किस रात को सुकून से सोएंगी। जनाब वी हैव अ कॉलर, लेट्स सी हु डू वी हैव। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से बात कर रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है जी। नहीं, आप रसोई बता रहे हैं, मैं तो भिंडी का खालन कैसे पता रहे, बता सकते हैं? बिल्कुल बताते हैं आपको, आप अपना नाम तो बता दीजिए जी। मैं मेरा सिकंदर में बात कर रहा हूँ, कराची से।
सिकंदर कराची से बात करें, कह रहे हैं भिंडी का सालन कैसे बनता है, अगर आपको पता है तो बता दें बराए मेहरबानी। अभी बता देते हैं, हम बैठे किस लिए हैं यहाँ पर, भिंडी का सालन पहले बता देते हैं और दरमियान में आप लोगों के आने वाले मैसेजेस भी शामिल कर लेते हैं। सारे मैसेज हम तक पहुंच रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में आज मैसेजेस की जो स्पीड है ना, मेरी नजरों से पानी की तरह से बह रहे मैसेजेस। किसी मौसम में क्या, किसी मौसम में मना नहीं है, ठीक है। इस्मा अहमद का मैसेज जिस तरह हर मौसम में इस्तेमाल हो सकता है, इनोसेंट उम्मीद कह रहे हैं मेरे मैसेज तो शामिल कर लें रबिया, कर लिया। हो सकता है आपने दो तीन और भी मैसेज आगे पीछे कहीं क्यों हूँ, वो बह गए होंगे। अस्सलाम वालेकुम। और ये है अम्तुल अजीज, उन्होंने कहा है हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मंशा का मैसेज है, उन्होंने कहा चकवाल से प्रोग्राम सुन रहा हूँ, वाओ ग्रेट वेलकम कहते हैं आपको। उन्होंने कहा जैतून का तेल गर्मियों में कम इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं शमा, और हर मौसम में किसी मौसम में मना नहीं है, ठीक है। गर्मी में कहा जाता है कि इसकी तासीर गर्म है, सर्दी में ज्यादा इस्तेमाल होता है जॉइंट्स पेन के लिए, है ना। थैंक यू शौकत जावेद, आपका मैसेज शामिल कर लिया था। जैतून ऑयल नॉट यूज इन जून एंड जुलाई, आमिर बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। जाकिर फ्रॉम कराची कह रहे हैं कि मेट्रोवेल से आप मैसेज कर रहे हैं, और अस्सलाम वालेकुम, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ऑल वेदर में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। मियां सुहेल आपका मैसेज भी हमारे पास आ गया, वाह कैंट से आपने मैसेज किया है भाई, वाह। इसके अलावा जैन का मैसेज, उन्होंने कहा कि कोई अच्छा स्टेक्स की रेसिपी आपने पूछी थी, बिल्कुल शामिल कर ली। कुछ मैसेजेस और भी हमें प्रोग्राम मुझे लग रहा है शुरू होने से पहले आ गए थे क्या मैसेजेस, इतना पहले से। कैसी आप, और मैं हुरमा, ओके आपको मैसेज हमने शामिल कर लिया। अब रिसेंट मैसेज शामिल करने से पहले हम भिंडी की रेसिपी बता देते हैं। चलिए जी, भिंडी की रेसिपी आप नोट कर लीजिएगा। आपने क्या करना है, आधा किलो भिंडी लीजिएगा, उसके अंदर आधा किलो के अंदर आपने दो प्याज और तकरीबन एक पाव टमाटर ले लीजिएगा, ठीक है। अब भिंडी को बिल्कुल बारीक बारीक आपने काटना है, उसके बाद प्याज टमाटर को आपने बारीक काट लेना है। इसके अंदर चार अदद हरी मिर्ची ले लीजिएगा, उसको भी बारीक काट लीजिएगा। एक चाय का चम्मच जीरा ले लीजिएगा, दो चाय के चम्मच कुटी हुई मिर्चें ले लीजिएगा, आधी चाय का चम्मच आपने नमक ले लेना है, आधी चाय का चम्मच हल्दी ले लीजिएगा, और जीरा, और सबसे पहले आपने ऑयल गर्म करना है, इटालिया का ऑयल ले लीजिएगा आप। उसके अंदर आपने जैसे ही गर्म हुआ थोड़ा सा ऑयल, और आपने उसके अंदर जीरा डालना है। जीरे के बाद आपने प्याज डालना है, टमाटर डालना है, ब्राउन ना कीजिएगा टमाटर और प्याज, और प्याज को बस प्याज और टमाटर डाल दिएगा। उसके बाद आपने कुटी हुई मिर्चें नमक हल्दी वगैरह डाल के थोड़ी देर के लिए इसको ढकिएगा। जब आपको लगे कि वो टमाटर प्याज सॉफ्ट हो गए, उसके बाद भिंडी डालिएगा, भिंडी डाल के थोड़ा सा आपने भुनाई करनी है, फिर हल्की आग पे आपने उसको रख देना है। जब आपको लगे कि तैयार हो गई, हरी मिर्चें बारीक काट के डालिएगा, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा, फिर सा गरम मसाला डाल दीजिएगा, तो इस तरह से भिंडी का सालन जो है तैयार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, भिंडी का सालन तैयार हो गया है। हमारे साथ एक कॉलर भी है लाइन पर, लेट्स सी हु डू वी हैव। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं यार खान से शौकत जावेद बोल रहा हूँ। कैसे हैं शौकत जावेद साहब? जी आपका प्रोग्राम, जिस तरह से आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, इसी तरह से ओलिव ऑयल, बल्कि खासतौर पर इटालिया ओलिव ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, वो हर महीने हर साल इस्तेमाल हो सकता है, जब मर्जी इस्तेमाल कर लें। थैंक यू वेरी मच शौकत साहब। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने आपके जितने भी आपने कमर्शियल प्रोग्राम से पहले भी किया है ना, मैंने गिफ्ट जीता है, लेकिन इसमें मैंने अभी तक नहीं जीता। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी कॉल का ये कहना चाह रहे थे आप। थैंक यू वेरी मच आपकी कॉल का शौकत जावेद साहब। रहीम यार खान साहब हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी हो गया खत्म। तकरीबन हमने ये आधा घंटा हो गया प्रोग्राम पे और हमें पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजरा। हम लोगों ने आपसे आज सवाल ये किया था कि जैतून कौन से मौसम में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कौन से मौसम में उसका इस्तेमाल मना है। आप लोगों के मैसेज हमारे पास आए, आप लोगों की कॉल्स भी हमारे पास आई हैं, 3636 पर आप मैसेज कर रहे थे, और इसके अलावा 111111100 पर आप कॉल करके हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते रहे। लाइव सेशन पे आप लोगों के काफी सारे कमेंट्स आए हैं, चूंकि प्रोग्राम facebook.com/fm247365 पर लाइव भी देखा जा रहा है। इसके अलावा चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, इट्स द टाइम टू अनाउंस द नेम ऑफ द विनर, और हमारे आज के जो प्रोग्राम के विनर हैं उनका नाम मैं अनाउंस कर देती हूँ। हमारे आज के प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अस्मा अहमद हैं कराची से, जिन्होंने कहा है कि किसी मौसम में इसका इस्तेमाल मना नहीं है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, गर्मियां या सर्दियां इससे मावरा हैं, हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है, हर मौसम में ये बेनिफिशियल है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। इंशाल्लाह आपसे कमिंग फ्राइडे करते हैं 12 से 12:30 में मुलाकात। टेक केयर, टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जब चेहरों पे प्यार दमकने लगे, जब सेहत का रंग चमकने लगे, ये इटालिया ऑलिव ऑयल ही तो है। जब जिंदगी का मजा आने लगे,
जब हर चेहरा सदा मुस्कुराने लगे। इटालिया ऑलिव ऑयल इम्पोर्टेड है। यह आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस रखता है और इसकी सिर्फ 50% मिकदार मुतवाजन और लज्जत से भरपूर खानों के लिए काफी है। दिल का दोस्त है इटालिया। गुड फॉर बोन्स। इटालिया ऑलिव ऑयल ही तो है, क्योंकि अपनों से प्यार है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, अहमदाबाद, गुजरात, जेलो, अक्रॉस पाकिस्तान, दिस इज FM 100.